जापान और भारत के रिश्तों की होगी नई शुरुआत। विकास का नया पैमाना गढ़ने के लिए जापान से हाथ मिलाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 दिनों की इस यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह जापान रवाना हो गए हैं। निवेश से लेकर स्मार्ट सिटी, तकनीक और बुलेट ट्रेन, सब कुछ पीएम मोदी के एजेंडे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा दोनों देशों के लिए काफी अहमियत रखती है। नेपाल और भूटान की तरह मोदी जापान का दिल भी जीतना चाहेंगे। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे को जापानी भाषा में ट्वीट करके उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है। देश के प्रायोरिटी को देखते हुए स्मार्ट सिटीज की जरूरत है। स्मार्ट सिटीज यानी कि नई सिटीज, जो एग्जिस्टिंग सिटीज है उनको नहीं, बट उनके साथ लगे हुए नई सिटीज बनानी, जो कि प्लानिंग में पूरी तरह निपुण हो और सब तरीके के आधुनिक टेक्नोलॉजी में निपुण हो, तो ये एक प्रायोरिटी आइटम है। और बाकी तो ट्रांसपोर्ट के मामले में भी इंडिया काफ़ी इंप्रूव कर सकता है। ट्रांसपोर्ट में हाईवेज भी आते हैं, एयरपोर्ट्स भी आते हैं और बोट्स भी आते हैं और बुलेट ट्रेन भी आते हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे वैसे भी नरेंद्र मोदी के फैन हैं। ट्विटर पर शिंजो सिर्फ 3 लोगों को फॉलो करते हैं, अपनी पत्नी एकेई एबे, जापानी इतिहासकार नाओकी इनो से और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस यात्रा के जरिए जापान से और भी मजबूत रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे। ये रिश्ता मजबूत व्यापारिक संबंधों के अलावा अच्छी कूटनीति का भी हिस्सा होगा, क्योंकि जापान और भारत दोनों चीन की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करना चाहेंगे। As a first innovative measure ever made by an Indian Prime Minister in reaching out directly to Japanese people, he has tweeted in Japanese too. जापान की फिजाएं प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी के लिए तैयार हैं। 5 दिन की अपनी इस यात्रा में नरेंद्र मोदी बहुत कुछ साधना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो एबे अगले 5 साल के दौरान भारत में जापानी निवेश दोगुना करने का समझौता कर सकते हैं। मेक इन इंडिया के अपने नारे को बुलंद करने के लिए मोदी जापान को भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की बात कर सकते हैं। मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, अजीम प्रेमजी जैसे बड़े कारोबारी भी मोदी के साथ जापान जा रहे हैं। ये लोग भारत में FDI बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। नरेंद्र मोदी जापान से बुलेट ट्रेन खरीदने का सौदा भी कर सकते हैं। हालांकि जापानी बुलेट ट्रेन चीन की तुलना में ज्यादा महंगी है। टेक्नोलॉजी के मामले में जापान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, तो जनसंख्या और बाजार के हिसाब से सबकी निगाहें भारत पर लगी रहती हैं। ऐसे में अगर जापान का साथ मिल जाए तो मोदी का मेक इन इंडिया का सपना पूरा हो सकता है, और साथ ही ये दोनों देश मिलकर चीन की बढ़ती हुई ताकत पर अंकुश भी लगा सकते हैं, क्योंकि चीन की बढ़ती हुई दादागिरी से भारत और जापान दोनों ही परेशान हैं। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक।